ओके आज हम लोग क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटर केंद्रीय, है ना. जब ये चारों मिलते हैं तब जाके क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. इन चारों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा. प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते. प्रोडक्शन मतलब किसका प्रोडक्शन? गुड्स का, सर्विस का. अब अपना क्लास ही ले लो, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? सर्विस. इसके लिए यहाँ पे जमीन है, जमीन पे बैठे हो तुम लोग, हवा में बैठे हो, ठीक है, जमीन मतलब लैंड हो गया. फिर उसके बाद क्या है? लेबर. टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो गया? लेबर. उसके बाद क्या है? कैपिटल. बेंच पे बैठे हुए कैपिटल है ना, है ना. फिर उसके बाद क्या है? एंटरप्रेन्योर. यहाँ पर किसी ना किसी ने तो इसको चालू किया होगा क्लासेस को, है ना. मैंने ही किया है ना जी. तो ये क्या हो गया? तो प्रोडक्शन के लिए हमें कितनी चीज़ों की जरूरत होती है? चार चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं लैंड. इसका मीनिंग क्या है? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज हम लोग क्या समझते हैं लैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है. सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो जमीन है ना जिस पे हम लोग पैर रखते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली? लैंड. बट इकोनॉमिक्स में इसका जो मीनिंग है ना थोड़ा सा वाइडर है. वाइडर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मीनिंग थोड़ा बड़ा है. क्या मतलब है इसका? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, बाय लैंड वी मीन नॉट मेयरली लैंड, खाली जमीन नहीं होता है, क्या होता है? इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड, बट द होल ऑफ द मटेरियल. होल ऑफ द मटेरियल मतलब वाटर, एयर, लाइट और हीट, ये सब भी होना चाहिए. लेट आप मून पे चले जाओ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं. तो उसको हम लोग वहाँ पे भी जमीन है बट उसको हम लोग लैंड नहीं बोलेंगे, है समझ में. तो लैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब फिर उसका क्या है? ऑन द, बिलो द और एबो द. सरफेस ऑफ द अर्थ जैसे कि समझो बिल्डिंग आपकी है ना, तो बिल्डिंग कहाँ है? सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है. ट्री, रिवर, ये सब क्या है? सरफेस पे. माउंटेन, ये सब क्या है? सरफेस पे. बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो सरफेस जमीन के नीचे भी कुछ है कि नहीं है? क्या मिनरल्स वगैरह है, है ना, ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कहाँ आता है? जमीन के नीचे. कोयला वगैरह जमीन के नीचे से आता है ना, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है? एबो द सरफेस ऑफ द अर्थ. एबो द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या? सनलाइट है ना, मूनलाइट, ठीक है. उसके अलावा और क्या है? एयर है कि नहीं, स्काई, है समझे. तो ये सारी चीज़ें मिला के अर्थ बनती है. सारी चीज़ें मिला के क्या बनता है? लैंड. ओनली अर्थ नहीं, खाली जमीन नहीं, जमीन के नीचे, जमीन पे और जमीन के ऊपर की सारी चीज़ें मिला के जो इन्वायरमेंट बनाता है जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, उसको लैंड. समझ में इकोनॉमिक्स. तो ये हो गया आपका मीनिंग. उसके बाद फीचर, ठीक है. बोलते ही हमारे बाप दादा की जमीन है, ठीक है, बट बाप दादा ऊपर से लेके आते क्या? नहीं ना, ठीक है. तो इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर ने हमें फ्री में दिया हुआ है, हाँ. इसकी साइट वैल्यू, इसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं, बट इसकी ये क्या है, ठीक है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. आज समझे, नेचर से हमको फ्री में मिला है, हमने खरीदा है क्या? नेचर से खरीदा है क्या पेमेंट करके? नहीं. फिर अगला पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा हुआ तुमने. पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कितने फैक्टर्स हैं? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. सब मोस्ट एक्टिव फैक्टर क्या है? लेबर. लेबर इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है. जैसे कि समझो एक मशीन है, मशीन किस में अकाउंट होता है? कैपिटल में. अभी तक आपको अकाउंट वगैरह पढ़े तो आपको यही पता है कि बिजनेस करने के लिए जो घर से पैसा लेके आते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. बट इन इकोनॉमिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है? वो चीज़ है जिसको हम लोग मशीन वगैरह जो है ना जिसको हम लोग जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं. तो मशीन हो गया, अभी ये बेंच है, ये बोर्ड है, इससे मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना. तो ये क्या हो गया? कैपिटल. आज समझे, क्योंकि अल्टीमेटली जो घर से पैसा लेके आते हैं कैपिटल, वो किस में कन्वर्ट होता है? बिजनेस के एसेट्स में, जो अपने को हेल्प करता है प्रोडक्शन करने में. अंडरस्टूड अकाउंट, ठीक है. तो पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन मतलब, मुझे एक बात बताओ, जमीन खुद से कुछ उगाती है क्या? अब यहाँ पे जैसे क्लासेस में लैंड लिए है तो यहाँ पे अपने आप लेक्चर होने लगता है, जैसे ही आप आए लेक्चर शुरू हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना. तो जब तक, या फिर समझो किसान खेती जब करता है, जब उस पर हल चलाएगा, उसमें सीड्स डालेगा, है ना,
तब जाके क्या होती है, फसल होती है। ऐसे इतना ईजी होता है फसल होना? नहीं। तो जब तक खेत को जोतेगा नहीं, उसके अंदर क्या करेगा, सीड्स नहीं डालेगा, तब तक वहाँ पे खेती नहीं। प्रॉपर टाइम टाइम पे उसका क्या करना पड़ता है, वॉच रखना पड़ता है उसमें। तो मतलब क्या हुआ कि लैंड खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, समझ लें? ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोला है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब तक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीचे वर्क नहीं करते, किस पे, जमीन पे, लैंड पे, जब तक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क नहीं करते तब तक लैंड खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। इसके दैट्स व्हाई वी कॉल इट पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगला क्या है, नो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। अब अपन मुंबई में है, तो मुंबई में ना अभी ना घर की कीमत बहुत बढ़ गई है। एक 10x10 का घर लोगे तो 25 लाख 30 लाख ऐसे ऐसे रेट चल रहा है। अपने गांव में तो घर एकदम सस्ता मिलता है ना, तो अपन एक काम करते, चलो गांव का घर उठा के इधर लेके आते। लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते। तो इसके लिए क्या बोला है यहाँ पे, नो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। अरे मेरा गाँव का बहुत घर अच्छा है, बंगला बांध के रखा उधर, ठीक है, इधर झोपड़ी में रहना पड़ता है, चलो एक काम करते उधर से घर उठा के लेके आते, ला सकते हो वहाँ से? नहीं। तो लैंड का ज्योग्राफिकल मोबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया तीन। अगला क्या है, इनइलास्टिक सप्लाई। इलास्टिसिटी के बारे में आप लोगों को बताया था डिमांड वाले चैप्टर में, है ना। इलास्टिक, अगर किसी भी चीज़ का डिमांड अगर इलास्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके गुड्स में क्या होता है, चेंजेस होते हैं। मतलब गुड्स की खरीदी और बेची क्या होती है, कम ज़्यादा होती है, चेंजेस होते हैं, है ना। इनइलास्टिक मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं, क्वांटिटी सप्लाई या क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या बोला, इनइलास्टिक सप्लाई। चलो मुंबई में ना ज़मीन का बहुत डिमांड है ना, इसके लिए तो इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना। तो समझो मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं ज़मीन खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो एक लिमिट के बाद मैं ज़मीन खरीद बेच सकता हूँ क्या? अरे भाई ज़मीन का बहुत डिमांड हो गया, चलो ज़मीन पैदा करते हैं। जैसे कि समझो मार्केट पे बेच रहा हूँ मैं, मार्केट का डिमांड बढ़ गया तो मैं मार्केट जितना चाहिए उतना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन ज़मीन प्रोड्यूस कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते हो, है ना। इसके लिए क्या बोलते हैं, इसका सप्लाई जो है क्या, इनइलास्टिक। मतलब इसका प्राइस बढ़ेगा या कम होएगा, इसके डिमांड में कोई फ़र्क, डिमांड मतलब इसकी क्वांटिटी सप्लाइड में, या फिर मतलब क्वांटिटी परचेज सेल में क्या होगा, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, है ना। सप्लाई इसका ना बढ़ेगा ना कम होगा। फिर अगला क्या है, परमानेंट एंड इनडिस्ट्रिक्टिबल फैक्टर। ठीक है। जैसे कि समझो किसी, आपको गुस्सा है, आपने अपने दोस्त को बोला तेरे घर में बम डाल देता हूँ, मैं तेरा घर ही फोड़ देता हूँ, तो बिल्डिंग आप तोड़ सकते हो, ज़मीन को कोई नुकसान पहुँचा सकते हो, बम फोड़ो कुछ भी फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। वापस क्या हो जाएगा? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि परमानेंट एंड इनडिस्ट्रिक्टिबल फैक्टर, लैंड जो है वो परमानेंट है, और इनडिस्ट्रिक्टिबल मतलब उसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इतना वर्ल्ड वॉर हुआ, दो वर्ल्ड वॉर हुए ना, लेकिन ज़मीन सॉरी क्या कोई कुछ फर्क पड़ा, बिल्डिंग्स गए, है ना, घर गया, लेकिन ठीक है लैंड वैसे का वैसे ही, हाँ थोड़े बहुत फर्क पड़ते हैं, लेकिन परमानेंटली आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगला है हेट्रोजेनिटी। होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है, सेम। तो हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना। तो हेट्रोजेनिटी से क्या समझते हो, ठीक है, हर एक लैंड एक जैसे होते हैं क्या? ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, ठीक है, ठीक है, और फिर पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, महाराष्ट्र का कोई गांव ले लो, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ होगी, है ना, वहाँ पे वहाँ की उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और ऐसी जगह जहाँ का क्या है, जहाँ पे रेत है, जहाँ पे अपन कुछ प्रोड्यूस कुछ प्रोडक्ट उगा नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते, तो उसकी साइड वैल्यू क्या होगी, कम होगी, समझ में आया ना। ठीक है। तो हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनिटी। फिर अगला है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, लॉ ऑफ DMU पढ़ा ना आपने, क्या था उसमें, ठीक है, एज कंजम्पशन इंक्रीजेस डिमांड, गुड मॉर्निंग, वो डिमांड है, एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बट कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, हाँ समझिए, ओके। फिलहाल चलो वो तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या, लैंड की यूटिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है, डिमिनिश होती है मतलब कम होती जाती है, ठीक है। कैसे, देखो अगर समझो मेरे पास एक एकड़ जमीन है, है ना, क्या दिया यहाँ पे, चलो बुक का ही कर लेते हैं, मेरे एग्जांपल छोड़ो,
लैंड इज ए सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर एडेड टू द सेम पीस ऑफ लैंड द टोटल आउटपुट इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट. तो ये जो लिखा हुआ है इसका मैं आप लोगों को मीनिंग बता देता हूँ. लेट एक जमीन है ना, उस पर अगर दो लोग खेती कर रहे हैं तो उस पर जो भी आउटपुट होएगा, जैसे कि एक पीस ऑफ लैंड है समझो, है ना, इस पर अगर दो पर्सन क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और ये पीस ऑफ लैंड थी, ठीक है, तो समझो 100 केजी क्या आता है, राइस प्रोड्यूस किया हमने, है ना. इस पर अगर आके 10 लोग ऐड, 10 लोग काम करेंगे तो प्रोडक्शन 10 गुना हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना. ठीक है, ये सेम जमीन पे अगर 10 लोग आके या 100 लोग आके जाते मेहनत करेंगे तो इससे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, है ना. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगला है डिराइव डिमांड. दो तरह के डिमांड होते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है, डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड. इनडायरेक्ट मतलब डिराइव, डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड यानी डिराइव डिमांड. तो डायरेक्ट मतलब क्या, ठीक है, डायरेक्टली जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जैसे फूड, क्लोथ, है ना, वो डायरेक्ट हमारे डिमांड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. बट लैंड जो है वो उसका डिमांड जो होता है क्या होता है, डिराइव्ड होता है, मतलब इनडायरेक्ट होता है. मैंने ये क्लासेस की जगह क्यों ली, क्योंकि मेरे को क्लासेस चलाना, क्लासेस नहीं चलाना होगा तो मैं ये जगह की डिमांड करूँगा, जगह का डिमांड करूँगा नहीं ना, ठीक है. तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको डिराइव डिमांड, आया समझ में. फिर अगला है साइट वैल्यू. तो यहाँ पे ही अपना ये कवर हो गया था, किसमें, हेट्रोजेनिटी में कवर हुआ था ये. साइट वैल्यू मतलब, अब देखो मुंबई में अगर घर लोगे तो उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा सेम पीस ऑफ लैंड है ना, 500 स्क्वायर फुट का अगर घर लिया तो यहाँ पर क्या होगा, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपये तक जाएगा, है ना. लेकिन 500 स्क्वायर फुट अगर आपने गांव में लिया, खेत में जगह लिया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना. साइट का वैल्यू होता है ना, जैसा साइट मतलब अर्बन एरिया में साइट वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा. रूरल एरिया में साइट वैल्यू क्या होती है, इसकी कम होती है. समझ आए. तो ये क्या पढ़ा हमने आज, पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार है, उसमें सबसे पहले क्या था, लैंड, उसके बाद लेबर. तो लेबर इज अ सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. उसका तीसरे पे क्या आता है, कैपिटल, और चौथे पे एंटरप्रेन्योर, ठीक है. अच्छा, अगला जो टॉपिक है, अगला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, लेबर. लेबर के बारे में हमने जब अपने लैंड के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे लेबर में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था. लेबर के बारे में क्या समझा था कि लेबर इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. लेबर ही सारे बाकी के फैक्टर्स को, प्रोडक्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. आप बोलोगे सर एंटरप्रेन्योर भी तो एंटरप्रेन्योर भी तो इंसान ही होता है ना, वो भी इंसान होता है, बट बिना लेबर के कुछ काम कर सकता है क्या, अकेले सारे काम एंटरप्रेन्योर करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है. तो लेबर इज द मोस्ट एक्टिव एंड लिविंग. लैंड लिविंग है, नहीं, लिविंग फैक्टर है क्या लैंड, नहीं. उसके बाद कैपिटल भी लिविंग फैक्टर नहीं. लेबर इज द मोस्ट एक्टिव एंड लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विदाउट विच प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. लेबर के, लेबर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद लैंड पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पढ़ा था ना अभी हमने, ठीक है. तो इसके लिए बिना लेबर के प्रोडक्शन प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ये समझ में आ गया. अकॉर्डिंग टू मार्शल, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा किसका, मार्शल, ठीक है. एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरगॉन पार्टली और होली विथ अ व्यू टू अर्निंग, व्यू टू अर्निंग सम रिटर्न्स अदर देन प्लेजर, ठीक है, प्लेजर के अलावा. जैसे कि समझो आप किधर जॉब पे लगे और आप काम करने जाते हो, महीने तक आपने काम किया, महीने के एंड में बॉस ने आपको क्या बोला, शाबाश बहुत अच्छा काम किया है, अगले दिन काम पे जाओगे नहीं, पेमेंट नहीं देगा तो, ठीक है. तो शाबाशी के लिए काम करने गए थे या कुछ अर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए, अदर देन प्लेजर, शाबाशी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है. दो चीज़ होती है, एक अवार्ड होता है, एक रिवॉर्ड होता है.
तो आप अवार्ड के लिए जाते हो काम करने या रिवॉर्ड के लिए जाते हो? रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के लिए, है ना, पैसे के लिए। डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी, अभी यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ या फिर समझो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कुछ सजेशन दिया, आप बीमार हो तो आपको बीमारी के ऊपर क्या क्या उसने कुछ सजेशन दिया, तो वो आपके लिए मेहनत कर रहा है क्या? कौन सा मेहनत कर रहा है? लेकिन कौन सा मेहनत कर रहा है, बॉडी से या मेंटल वर्क कर रहा है? आपके लिए मेंटल वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा हूँ? मेंटल वर्क कर रहा हूँ, थोड़ी तो इज्जत दे, मेंटल वर्क कर रहा हूँ, फिजिकल वर्क नहीं है, ठीक है? तो हाँ समझे, और ये सब हम लोग क्यों करें, डॉक्टर लॉयर टीचर्स काम क्यों करते हैं? टू अर्न मनी, है ना, या प्लेजर के लिए वो काम नहीं करते। तो इसके लिए क्या बोला गया है यहाँ पे कि एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरगॉन पार्टली और होली विद द व्यू टू अर्निंग सम रिटर्न्स अदर देन द प्लेजर डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क इज कॉल्ड लेबर। लेबर क्या होता है, कोई भी आप काम जब करते हो प्लेजर के लिए, जैसे घर में माँ ने पकौड़े बना के दिए आपको, तो उसको लेबर बोलेंगे क्या माँ को? नहीं। लेकिन रोड साइड पे अगर जैसे कि है ना स्टॉल वाले होते हैं, तो उन लोगों ने अगर पकौड़े बना के दिए और आपने खाया, आपने बोला चलो बहुत अच्छा बनाया था पकौड़े तुम्हें, जा रहा हूँ मैं, तो पकड़ के पहले तो धोएगा आपको और बाद में क्या करेगा, पैसे लेगा आपसे, है ना। तो आप बोलोगे अरे यार घर पे माँ पकौड़े बना के देती है, तुम पैसे लेती है, मैं पैसे नहीं लेती है, तुम पैसे मांग रहे हो मेरे से, ठीक है? तो वो जो पकौड़े और मारेगा, सही है, ठीक है? तो वो जो पकौड़े बना रहा हूँ उसका, वो जो लेबर, वो जो काम कर रहा है वो क्या लेबर है, और घर पे जो होता है वो लेबर नहीं है, वो प्लेजर, ठीक है? अच्छा फीचर्स में आ जाओ, अभी फीचर्स में क्या है, लेबर का फीचर्स क्या, पहला इनसेपरेबल फ्रॉम बॉडी ऑफ द वर्कर, वर्कर जो काम करता है उसको लेबर बोलते हैं, वर्कर को लेबर नहीं बोलते, है ना। आप ऐसा बोल सकते हो क्या, आज मेरा काम करने का मतलब, आज मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ लेकिन मैं काम पे जाऊँगा नहीं, तो मैं खुद को घर पे रखता हूँ और मेरा लेबर में भेज देता हूँ, ऐसा कर सकते हो क्या? अपनी बॉडी से आप अपना लेबर कैसे निकालोगे, नॉनसेंस बात है ना। तो इनसेपरेबल फ्रॉम बॉडी ऑफ द वर्कर, बॉडी वर्कर के बॉडी से ही और उसके माइंड से ही क्या होना है, लेबर होना है, ऐसा समझे, इसके लिए इनसेपरेबल। फिर अगला क्या है, ह्यूमन एंड एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने ऊपर ही कवर कर लिया है ना। लेबर जो है क्या है, मशीन नहीं है, वो क्या है, ह्यूमन फैक्टर है और एक्टिव फैक्टर है, ठीक है। फिर लेबरर सेल्स हिज लेबर एंड नॉट हिमसेल्फ, पुराने पिक्चर में तुमने डायलॉग देखा होगा, साहब हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, गुलाम नहीं है आपके, ऐसा नहीं। गुलाम जो होता है वो बॉडी से तन से मन से सब से क्या रहता है, बॉस के लिए होता है, लेकिन जो लेबर होता है वो अपना काम बेचता है पैसे के लिए, ना कि खुद को, है समझे। तो जब आप किसी, समझो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी को, आप किसी को आपने अपने यहाँ पे जॉब पे रखा है, तो उसको आपने खरीद के रखा है या फिर उसके लेबर को, लेबर काम, है समझे। तो लेबरर, लेबरर मतलब जो वर्कर, जो काम करने वाला है, सेल्स हिज लेबर, अपना लेबर बेचता है, अपना काम बेचता है, नॉट हिमसेल्फ, मतलब लेबरर खुद को नहीं बेचता, अंडरस्टैंड ना, समझा ना। अगला क्या, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, अब इसका क्या मतलब होता है, बैंड की मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी है ही नहीं इसके अंदर, लैंड की मोबिलिटी नहीं, लेबर की मोबिलिटी है बट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। और कैपिटल की मोबिलिटी है क्या, यस, ये तो मोस्ट है, मतलब इसकी मोबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, जैसे समझो मैंने पूरा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कैपिटल में, मतलब क्लासेस के बिजनेस में, मैंने बोर्ड खरीदे, मैंने बेंच वगैरह खरीदे, एसी खरीदा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, है ना, तो ये सब क्या है, कैपिटल में, ठीक है। आप समझो मेरे को ना जिम ओपन करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कैपिटल के टाइम पे भी, मेरे को जिम ओपन करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं बेच दूंगा और मैं उसका क्या, उससे जो मेरा पैसा आएगा फिर मैं क्या करूँगा, उसे जिम ओपन करूँगा, है ना। तो पहले कैपिटल क्या था, क्लासेस, अब कैपिटल क्या हो गया, जिम का इक्विपमेंट वगैरह हो गया, है ना। तो कैपिटल की मोबिलिटी है, परफेक्ट मोबिलिटी है, और इसकी मोबिलिटी है क्या, लैंड की मोबिलिटी है नहीं, नो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, है ना, और लेबर की है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड। लेट आपका ऑफिस मलाड में, आप जहाँ पे काम करते हो ना वो ऑफिस कहाँ पे, मलाड में, आप मलाड में काम देंगे, ठीक है। आपका ऑफिस शिफ्ट होकर बोरीवली चला गया, है ना, तो अगर आपका ऑफिस शिफ्ट होकर बोरीवली चला गया तो आप बोरीवली चले जाओगे,
लेकिन आपका ऑफिस शिफ्ट होके ना अमेरिका चला गया, आप अमेरिका जाओगे? नहीं नहीं जाओगे, है ना, रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे समझो पंजाब चला गया, गुजरात, गुजरात चला गया, आप जाओगे? नहीं जाओगे। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन विथ आवर फैमिली, है ना, फैमिली भी होती है ना हमारे पीछे, yes. बॉस के पीछे घूमते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। अगला क्या है? पेरिशेबल फैक्टर्स। पेरिशेबल फैक्टर्स का मतलब क्या है? लेट आप एक दिन काम करते हो, दिन का आपको 1000 रुपीज पगार मिलता है, वेजेस मिलता है ना। आज का दिन अगर आपने काम नहीं किया, आज बोले कि आज यार आज मैं काम नहीं करूंगा, मैं कल काम करूंगा, मैं 2000 रुपये कमाऊंगा, तो आज का दिन कभी रिटर्न आएगा? नहीं। कल आप 2000 कमा लोगे, तो कल 2000 जब कमाओगे तो 8 घंटे की जगह पे 16 घंटे जब काम करोगे, ओवर टाइम करोगे, तब तो करोगे ना, तो कल का ही इनकम होगा ना। आज का इनकम कभी रिटर्न आएगा? कभी नहीं आएगा। अच्छा, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? पेरिशेबल फैक्टर। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लेबर इज अ पेरिशेबल इन नेचर, इफ द वर्कर इज एबसेंट फॉर अ डे द डेज लेबर हैज गॉन, द अमाउंट ऑफ लेबर लॉस्ट। ठीक है, जो लेबर का पैसे तो आप कमा लोगे, लेकिन जो लेबर का लॉस हुआ वो कभी लाइफ टाइम में भी रिटर्न नहीं आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर अगला, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। लेबर अपनी एफिशिएंसी क्या करता है? बढ़ा सकता है। अगर आप समझो स्किल्ड नहीं हो, तो आप ट्रेनिंग वगैरह लेके आप क्या बन सकते हो? स्किल्ड लेबर भी बन सकते हो। तो ठीक है, तो लेबर के कितने टाइप होते हैं? 3, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। 3 तरह के लेबर होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक समझो, एक बाई आती है झाड़ू पूजा करती है, वो स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है? अनस्किल्ड है। ठीक है, आया समझ में? तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर, तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, इसलिए बोला जाता है कि ग्रेजुएशन करो, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स करो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आपके पीछे पैसा भी आएगा। ठीक है, आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपके कभी नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है, अगला है लेस बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर मतलब, बार्गेनिंग के बारे में आप लोग जानते हो, दुकान पे जाते हो कि भैया जी क्या भाव है आलू? 40 रुपये किलो। अरे सर 35 रुपये किलो दोगे क्या? 5 किलो दोगे? बार्गेनिंग करते हैं हम लोग, है ना, मोल भाव करते हैं। लेकिन लेबर अकेला जो होता है ना, वो अपने बॉस से मोल भाव नहीं कर सकता, उसका बार्गेनिंग पावर क्या होता है? ठीक है, अगर बॉस अगर बोलेगा मतलब कम वेजेस देगा, तो उसको कम वेजेस में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो बॉस को उसकी ज़रूरत नहीं है, दूसरे भी लेबर पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन आजकल कैसा हो गया, ट्रेड यूनियंस आ गए, है ना, तो लेबर की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है, बट कलेक्टिवली अकेला लेबर बॉस से बार्गेनिंग नहीं कर सकता। समझ में आया? तो उसका अगला क्या है? इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। नॉर्मली जो लेबर अपने इंडिया में काम करते हैं, उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 15 to 59 है ना। कम से कम एज कितनी है, वर्किंग एज कितना है? 15 से लेके 59 ईयर्स तक की एज है। तेरे को क्या लग रहा है? 18 साल, 21 साल, वो शादी की उम्र है। ठीक है, हाँ सर। तो 15 to 59 ईयर्स तक का क्या है एज, क्या है लेबर का, है ना। तो अगर समझो अर्जेंट में इंडस्ट्रीज बहुत सारी ओपन हो गई है, अर्जेंट में अगर अपने को लेबर चाहिए, तो डायरेक्ट 15 साल का बच्चा तो आएगा नहीं। ठीक है, लेबर डेवलप होने के लिए कम से कम 15 साल तो चाहिए, है ना, लेबर को डेवलप होने के लिए। तो इसलिए किसकी जो सप्लाई होती है वो क्या होती है? इनइलास्टिक, है ना, कभी शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में इसका क्या होता है, सप्लाई क्या होता है? इनइलास्टिक। लॉन्ग रन में इसकी इलास्टिसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब लेबर हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इनइलास्टिक तो समझ में आया। तो आज हमने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4, इसमें से 2 आज खत्म किया, पहला क्या लाइन, दूसरा लेबर। ठीक है, बाकी कल 4 दिन में एग्जाम है, और तुम लोग अभी इकोनॉमिक्स रिवाइज करा रहे हो, सही है तुम लोग।